इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 21। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 21। दाऊद का अपनी प्रजा की गिनती लेना और इस पाप के दंड और पापमोचन के द्वारा मंदिर का स्थान ठहराया जाना। और शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उसकाया कि इसराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से ले दान तक के इसराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवारीय पुरुष इसराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े व 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, व 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इसराइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ू क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वह क्या मैं नहीं हूं? हां, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वह तो मैं ही हूं, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाए। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान तो गेहूं दावता था। जब दाऊद ओरनान के पास आया तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे दे। फिर
यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओर्नान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावनी के हथियार और अन्नबलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। राजा दाऊद ने ओर्नान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंतमेंत का होमबलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओर्नान को 600 शेकेल सोना तौल कर दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओर्नान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनवाया था और होमबलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था।